ये तो शजर हजर हो गए। मासूम का मतलब है कि वो अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। ये मालूम नहीं कहाँ कोई रवायत किसी ने बयान कर दी होगी, और हदीस की किताब तो किसी को भी करार दिया जा सकता है। अच्छा, ये अल्लाह आलम हुस्न इत्तेफाक है या क्या है कि वो पांच उन्होंने बुत बनाए हुए थे ना, वदन सुआन यूसा यू का नसरा, हमारे गले में भी आज तक पांच तन पाक पड़े हुए जैसे वो थे ना जी पांच। तो इसलिए ये पांच तन पाक वाला जो मसला है ना, ये भी शिया ले आया। बात पहुंच गई। तो देखो ना, कभी तो इंसाफ की बात कर लिया करो, तभी तो इंसाफ की बात कर लिया करो। जो खुद कलमा हो, जो खुद कलमा हो, उनका नाम अगर कलमे में आ जाए तो आपको परेशानी क्या है। अच्छा भाई, तो आदम अलैहिस्सलाम मुस्तफा बंदे हैं, खलीफतुल्लाह फिर अर्ज हैं, हम सबके बाप हैं, पहले नबी हैं, जन्नत से निकले थे, ये गुस्ताखी तो नहीं करूंगा कि निकाले गए थे, जन्नत से निकले थे, और जन्नत में वापस जाने की शर्त क्या है? पंजतन का वसीला इख्तियार करो। तो जब तुम्हारा बाप उस वसीले के बगैर जन्नत में न जा सका तो तुम्हारी हैसियत क्या है? पंजतन, पंजतन, पंज बैठी पांच तन अफराद, पाक पाकीजा मुतहर। ये बात तो सही है कि ये तीनों लफ्ज़ फारसी हूं, और फारसी के दीन में गुंजाइश कहाँ है भाई? दीन में तो फकत अरबी होती है, और जब से तेल निकल आया है अरबी और भी बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो अब जाओ अबू अब्दुल्लाह हाकिम नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका ताल्लुक मेरे मतलब से नहीं है, और आलम इस्लाम के बहुत ही बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े हैं कि नाम से लोग कांप जाते हैं, उनकी किताब है अल मुस्तदरक, उसमें देखना, मुस्तदरक के हाकिम में इस रिवायत को देखना, और इब्ने कसीर बहुत ही बड़े मुफस्सिर हैं, उनके नाम से भी लोग घबराते हैं, उनकी तफसीर में देखना, उनकी तफसीर में देखना। ये जब आयत नाजिल हुई, भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, जब आयत नाजिल हुई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो, बहुत जलील कदर साहबी हैं, और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, इन दोनों ने कहा कि इन्नहा नज़लत फिल खमसा। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तत्हीर की आयत पांच के लिए आई, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, तत्हीर की आयत पांच के लिए आई, तवज्जो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इन्नहा नज़लत फिल खमसा, तत्हीर की आयत पांच के लिए आई, फिर दोहरा रहा हूं, तत्हीर की आयत पांच के लिए आई। भाई तवज्जो रे, तत्हीर को कहते हैं पाक, और पांच को कहते हैं पंजतन, पंजतन पाक साबित हुआ या नहीं? मैसेज पहुंच गया भाई? नहीं, अब जुमला सुनो, जुमला सुनो, पंजतन है पाक, ये हमारी बनाई हुई इस्तिलाह नहीं है, साहब कराम उम्मातुल मोमिनीन की बनाई हुई इस्तिलाह है। उन्होंने कहा उन पांच के लिए तहारत का ऐलान हुआ, तो तहारत भी आ गई, पांच भी आ गए, इसी को कहते हैं पंजतन पाक। लेकिन जमहूरियत का जमाना है भाई, जमहूरियत का जमाना है, और हर एक को हक है अपने पंजतन बनाए जैसा कि बनाए गए, और नशरियाती वसीले से ऐलान किया गया। होगा ना तुम्हें इल्म इस बात का? इस दुनिया में सांस ले रहे हो, इस जमीन पर चल रहे हो, यहां के नशरियाती वसीलों पर तुम्हारी निगाहें हैं, किसी ने कहा कि पंजतन पाक, पंजतन पाक फला नहीं फला, भाई ठीक है, मैं अभी पढ़ के गया हूं कि जब खुदा और रसूल फैसला कर दें तो उसके फैसले पर सारे तस्लीम को खम कर लो। अब अगर कोई मुफस्सिर कुरान भी हो और कुरान के फैसले पर खम ना होना चाहे तो मैं और आप क्या कर सकते हैं?
समझ रहे हैं ना बात को? तो कहा कि नहीं, पंजतः पाक ये कौन सी इस्तलाह है, और पंजतः पाक तो फला भी हो सकते हैं, फला भी हो सकते हैं। भाई ठीक, तो जमहूरियत का जमाना है, जमहूरियत का जमाना है, जो चाहे अपने लिए पंजतन नए मुअय्यन कर ले, उसे हक है कि अपने लिए नए पंजतन मुअय्यन कर ले। लेकिन हमें भी तो हक है कि हम दुआ करें कि या रब तू उसे उसके पंजतन के साथ उठा, हमें हमारे पंजतन के साथ उठा। सिमटे तो पांच है, फैले तो बारह है। क्या रिवायत भूल गए? मन माता बलम जारी से मामा जमाने ही। कंट्रोवर्शियल नहीं है, अकायदे नसीब में देख लेना। अब और हवाले क्या दूं? बड़ी मशहूर किताब है जो अकीदे में पढ़ाई जाती है, अकीदे में, उस अकीदे की किताब की रिवायत सुनते जाओ। मन माता वलम जारिफ इमाम जमाने ही, माता भी ततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने तो काफिर मर गया। पढ़ा लिखा मजमा है ना, बस अब मेरे पास दामने वक्त कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने, ये तो नहीं है ना कि जो मर जाए और अपने जमाने में इमाम न बनाए। भाई ये तो नहीं है ना, यानी आप पर पहचानने को फर्ज किया गया है, बनाने को तो फर्ज नहीं किया गया। भाई मैं क्या अर्ज करूं, अभी तो रिवायत पढ़ के जाओ, इन्नी तारिकुन फीकुम मुसअलैन, मैं तुम में अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं, बना के नहीं। तो जब नबी को बनाने का हक ना मिले तो आपको किसने दे दिया? ये मजलिस है उसी इमामत के तारुफ के लिए है, उसी तौहीद के तारुफ के लिए है, उसी नबूवत के तारुफ के लिए है, जिनका तारुफ पंजतन करा के गए। मेरी गुफ्तगु इस मरहले पे आके रुक गई। इन मजलिसों में हुसैन का तारुफ होता है कि अगर हुसैन समझ में आ गया तो सिलसिले के सारे लोग समझ में आ जाएंगे।